मुख्य रूप से इसका सीजन जुलाई की लास्ट और अगस्त से स्टार्ट होता है, और जुलाई अगस्त जो स्टार्ट होता है वो मथुरा, अलीगढ़ या जहां अरहर की पैदा होती हो, बेरी की पैदा होती हो, वहां से इसका सीजन स्टार्ट हो जाता है। वहां से स्टार्ट होते हुए उसके जैसे ही अरहर और बेरी समाप्त होती है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में तूड़िया नाम की एक सरसों की छोटी वैरायटी पैदा की जाती है, उसमें नेक्टर शहद अच्छा मिलता है। नवंबर में भरतपुर में रखते हैं, जहाँ की सरसों बहुत होती है, और फरवरी तक ये बक्से यहाँ रखते हैं। इस समय हम 40 से 45 किलो शहद का उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, वहाँ यूकेलिप्टस पर रखते हैं, वहाँ एक मैने रखते हैं। उसके बाद हम लीची के बागों में चले जाते हैं, वहाँ अपना गर्मी का समय पास करते हैं। तो इसमें नवंबर में क्या है, अपने यहाँ पे ला के रख लेते हैं बक्सों को हम, तो नवंबर से लेके और फरवरी तक अपना काम यहीं पर चलता है। यहाँ से फिर हम उत्तरांचल साइड लेके जाते हैं, वहाँ पे एक डेढ़ महीने रखते हैं, फिर वहाँ से हम कानपुर साइड ले जाते हैं सूरजमुखी पे, वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे 4-5 महीने रहते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, तरल मौसम रहता है बाग बगीचे की वजह से, वहीं पर रख के रखते हैं हम।